सहारनपुर के प्रेमपुरी कॉलोनी में एक मकान में 70 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग अपने मकान में अकेला रहता था और मकान में काम चल रहा है, लेकिन दो दिन से काम कर रहे मिस्त्री छुट्टी पर थे। वहीं जब परिजन बुजुर्ग के घर पहुंचे तो खून से लथपथ बुजुर्ग की लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी। ये मिस्टर जगदीश सिंह चंद मित्तल हैं, लगभग 74 वर्ष इनकी आयु है। ये अकेले इस घर में रहते थे, इसको रिनोवेट करा रहे थे और इनके परिवार के साथ से अलग रह रहे हैं। इनका एक बेटा यहाँ रहता है जो पास में दूसरी कॉलोनी में रहता है। आज इनकी डेड बॉडी अभी दोपहर में ट्रेस हुई है हेड इंजरी के साथ में। जो हेड इंजरी इनको आई है वो उसमें एक लकड़ी के फट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ पे मौके पर मिली है। अभी तक जो हम लोगों ने प्रमेय फिसी देखा उससे ऐसा लगता है कि ये कोई रॉबरी का मैटर नहीं है और किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ से हटाई गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसी रंजिश में या आपसी अनबन में ये मर्डर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।